मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम, और वो टीम जो पिछले सीजन को जितना जल्दी भूल जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। रोहित शर्मा ने साल 2013 में मुंबई टीम की कमान संभाली थी। इसके बाद मुंबई के सितारे ही बदल गए। 5 टाइटल्स और न जाने कितने ऐसे मैच जिनमें इस टीम ने बताया कि आखिर क्यों मुंबई इंडियंस को फैंस इतना प्यार करते हैं। लेकिन अब नए सीजन में इस टीम को एक नई शुरुआत करनी है। मुंबई ने अब तक आईपीएल में कुल 231 मुकाबले खेले हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। 231 मुकाबलों में इस टीम को 129 बार जीत मिली है, ये भी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। ये टीम ज़रूरी मैचेस जीतना जानती है, और रोहित शर्मा चाहेंगे कि एक बार फिर उनकी टीम पुराने रंग में नजर आए। 23 दिसंबर को कोची में आईपीएल का मिनी ऑक्शन होने वाला है। इससे पहले हम हर एक टीम के बारे में सारा गुणा भाग बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात मुंबई की करेंगे। मुंबई की टीम कौन सी प्लेयर्स को खरीदकर बेहतर टीम बन सकती है, चलिए शुरू करते हैं। ऑक्शन में जाएंगे और पैसे कितने हैं ये ना पता हो तो कैसे चलेगा, इसलिए सबसे पहले इस पर ही नज़र डालनी चाहिए। मुंबई के पर्स में फिलहाल 20.55 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इस टीम ने पहले ही ट्रेड करके जेसन बेहरनडॉर्फ को अपने साथ जोड़ लिया है। अब MI की परफॉर्मेंसेस पर भी नज़र डालनी होगी। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुंबई ने 14 मैचों में सिर्फ 4 मुकाबले जीते। टीम का नेट रन रेट तो माइनस में 0.506 रहा, यानी बहुत ही बुरा हाल था। टीम ने कई नए चेहरों को ट्राई किया जिन्होंने अनुभव की कमी के बावजूद ठीक ठाक प्रदर्शन किया। पिछले सीजन टीम इंजरी की वजह से भी परेशान रही। जोफ्रा आर्चर बीते सीजन टीम के साथ जुड़े थे लेकिन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। बुमराह और आर्चर की जोड़ी को देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। टीम एक ट्रांजिशन के फेज़ में है और आने वाले सालों की तैयारी में लगी हुई है। टीम की ताकतें क्या हैं, अब उस पर नज़र डालते हैं। टीम की बैटिंग आज भी शानदार है। ओपनिंग में ईशान किशन और रोहित शर्मा किसी भी ओपनिंग पेयर से बेहतर दिखते हैं। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव आते हैं, जो कि मौजूदा समय में दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन हैं, यानी टॉप 3 तो सेट है। इसके बाद आते हैं तिलक वर्मा और टिम डेविड। वर्मा ने IPL 2022 में मुंबई के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे। उन्होंने मुंबई के मिडिल ऑर्डर को संभाला था, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अगर तिलक चलते हैं तो डेविड का काम आसान हो जाता है। क्रीज पर आओ और छक्के लगाओ, यानी कायरन पोलार्ड का नया वर्जन। बल्लेबाजों के अलावा टीम के पास पेस डिपार्टमेंट में जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम हैं। हालांकि इनकी फिटनेस अभी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है। कमजोरी पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। बैटिंग के अलावा टीम में खास कमी नज़र आती है स्पिन डिपार्टमेंट में। वानखेड़े की पिच पर स्पिनर्स का जलवा रहा है। इस टीम में हरभजन सिंह, पीयूष चावला, प्रज्ञान ओझा जैसे बड़े स्पिनर्स खेलते रहे हैं, लेकिन अब टीम के पास ऐसा कोई नाम नहीं दिखता जो टर्निंग पिच पर कारगर साबित हो। एक और बात, टीम के पास पेसर्स के बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। इसी समस्या ने पिछले सीजन टीम को डुबोया भी था। टिमाल मिल्स, जयदेव उनादकट, बासिल थम्पी, डैनियल सैम्स, रायले मेरेडिथ सब ने पूरी कोशिश की थी लेकिन इस समस्या को सुलझा नहीं पाए थे। डेवाल्ड ब्रूस और ट्रिस्टन स्टब्स भी चाहेंगे कि उन्हें खेलने का मौका मिले। टीम मैनेजमेंट इन दो युवा प्लेयर्स को कैसे मैनेज करता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इनको नहीं जाने देना था। इस मिनी ऑक्शन से पहले हर टीम ने इनफैक्ट कई प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। ऐसे में मुंबई भी कई प्लेयर्स को जाने दिया है। मुंबई के रिलीज़ किए गए प्लेयर्स के नाम ये साफ दर्शाते हैं कि टीम रीबिल्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जिन प्लेयर्स का साथ छोड़ा गया है उनमें अनमोल प्रीत सिंह, आर्यन जुआल, बासिल थम्पी, डेनियल सैम्स, फेबियन एलन, जयदेव उनादकट, मयंक मारकांडे, मुर्गन अश्विन, राहुल बुद्धि, रायली मेरेडिथ, संजय यादव और टिमाल मिल्स शामिल हैं। मुंबई के सबसे बड़े मैच विनर कायरन पोलार्ड ने IPL से रिटायरमेंट ले लिया है। उनके जैसा खिलाड़ी खोजना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो विस्फोटक बल्लेबाजी, ज़रूरत के वक्त गेंदबाजी और रोहित के ना रहने पर टीम की कप्तानी भी करते थे। उनके जैसा खिलाड़ी दुनिया में कम ही नज़र आते हैं। ऐसे में कायरन के जाने पर टीम ऑक्शन में बेन स्टोक्स जैसे बड़े स्टार को टारगेट कर सकती है। अब किसको खरीदेगी मुंबई? मुंबई को एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत है, इसके बिना टीम बहुत कमज़ोर दिखती है। नंबर 5 पर एक अच्छा बैट्समैन भी चाहिए जो बॉलिंग भी कर सके, यानी एक यूटिलिटी ऑलराउंडर। बेन स्टोक्स या सैम करन दोनों में से एक भी प्लेयर अगर मुंबई खरीद पाती है तो उनकी कई समस्याएं एक साथ दूर हो जाएंगी। टीम को बैकअप के लिए एक पेसर की भी ज़रूरत है क्योंकि बुमराह और आर्चर की इंजरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। बेहरनडॉर्फ टीम में शामिल ज़रूर हुए हैं लेकिन उनका रोल थर्ड पेसर का है। ऐसे में दुश्मन चमीरा एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। हमारे हिसाब से क्या करें,
लल्लन टॉप के हिसाब से टीम की सबसे बड़ी ज़रूरत है रोहित शर्मा की फॉर्म। कैप्टन परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरी टीम को दिक्कतें होंगी, आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित की फॉर्म पिछले कुछ समय से खराब ही रही है। इसके साथ ही टीम को नए लीडर्स भी ढूंढने होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा भी मुंबई के साथ बहुत सालों तक नहीं रहेंगे। पुराने लीडर्स जैसे लसित मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, हरभजन सिंह, कायरन पोलार्ड सब जा चुके हैं। ऐसे में ईशान किशन, सूर्या और बाकी प्लेयर्स को किस तरह से ग्रूम किया जाता है ये देखना अहम होगा। आईपीएल ऑक्शन 23 दिसंबर, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे आलिश हैं और ये खबर आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। यहाँ आपको आईपीएल, इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट, बाकी सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरें लगातार मिलती रहती है। इसके साथ साथ हम आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप की महाकवरेज भी लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर जाइए और फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी कई सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मेसी के रिकॉर्ड्स, फ्रांस ने कैसा खेला, सारी डिटेल्स हमारे ही चैनल पर मिलेगी। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हम सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।